अच्छा ये बताओ कतु साल लगे तुम उनके ये सब काम करते हुए? मेरे को इसमें इसको कभी कभी 15-20 साल में। ठीक अच्छा मैं क्या कहूँ झूठ मिलाना चाहता तुम पहले क्या कहते काम का करो पहले उसको करो हम अब बांधना घर अपना है घर का काम करते। अच्छा कुछ बांसो काम करो। अच्छा अच्छा बांसो। अच्छा बांसो काम लग करी है तुम्हें। अच्छा पेन तुम देर में। अच्छा मतलब यो चिनाई बनाई में बहुत देर पे करो नहीं पहले घरों काम पहले तो घर न घर बनाओ नहीं नाला तुम मकानों ठेका देने में पहले घरों काम। अच्छा मकान ठेका तो मकान तो आपको ये टाइप का दुख बनाओ न लग रहा है ना आपके मतलब है ना पहले तो भल खुड़ी बनाओ छी लोग ने मैं खोई बनाओ छी छज बनाओ छी और ढूंगा के है ना ढूंगे चिनाई हो छी ना बहुत कम रह गया अब तो ये सब काम होटल रिसोर्ट में ही देखने में मिली। एक तो महंगे काम है ना तो ढूंढो ना है एक तो ढूंढ मिलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात ये हो गई ना सबसे बड़ी बात कामगार आदमी आजकल काम करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात है कम चाहता है मजदूरी ज्यादा चाहता है तो ठीक होना चाहिए तो इस वजह से आदमी फोर्स में काम करता है। क्या करें मजबूरी छे ना। अच्छा देखो कतो भल चढ़ाई चढ़ाई की देखो तो दोस्तों देखो आजकल असल में दीवार कई लोग देते हैं तो एक बात ही अलग होती है पत्थर को किस तरीके से मैनेज करते हैं भले ही ढूंढ लगा रखो। और मैंने नहीं चुका कि यो मलीवाल जो दीवार तुम बना ला ना तो यो दीवार तुम बना ला ये हेड मिस्त्री मतलब 25 साल से तो ये काम कर रहे हैं इससे पहले दूसरे काम भी किए उन्होंने तो मैंने कहो यो तुम्हारा नाम है दीवार मानी जाली बची राम मिस्त्री दीवार ये दीवार तुम बना ला और तुम ही बनो चे बान और भैल बनाया ये तो बान उन चाहे ना दीवार दिख गए दूर बैठी लगन चाहे आहा क्यों को मिस्त्री चुना है तुम चुने। तो दोस्तों मैंने ये कोशिश करने के ना ये जो दीवार बनने जा रही है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सबसे खूबसूरत दीवार बनेगी और ये मैं काम करनी है हमारे बेउप्रेत है मिस्त्री हैं बची राम जी और ये इसी गाँव के हैं। अच्छा मैं आपको दिखाऊँ इनका घर ये इनका घर बनता है ये जो जगह है ना ये जो टॉप पे एक घर दिख रहा है आखिरी जहाँ पे एक फ्लैग के उस पार लेंटर वाला भी है नीचे को और है हाँ आगे की तरफ को पत्थर लगा रखे और मलिबल लेंटर जो यो घर छो इनर तो एक ठुल्ली बखाई ले देखे ना देखो तो ठुल बखाई छे बांध बखाई छे। तो दोस्तों मेरा मन इस तरीके का नहीं था लेकिन इस दीवार को देखते ही ना इस दीवार पे काम करते हुए देखते ही मेरा कैमरा खुल गया और मैंने कोशिश करी कि चलो ये तो एक अच्छा ब्लॉग बनने जा रहा है। तो दोस्तों आज के समय में ना इस पत्थर की चिनाई करने वाले लोग ना बहुत कम बढ़िया कलाकार रह गए हैं और नए लोग करना भी चाहते हैं तो बड़े अलग तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल फटाफट वाले काम कर रहे हैं कोई सजावटी और उसमें कोई सौंदर्य सेंस नहीं है। असल में आप भी कभी कभार सोचेंगे वैसे सामान्य तो आदमी सोचता है यार पत्थर में क्या सौंदर्य सेंस है तो वाकई दोस्तों बहुत सौंदर्य सेंस है पत्थर को किस तरीके से कंपोज किया जाए कंपोजिशन है छोटे पत्थर बड़े पत्थर लाल पत्थर हरे पत्थर मोटा पत्थर गोल पत्थर काला पत्थर मतलब उसके रंग के अनुसार उसके आकार के अनुसार एक ज़बरदस्त कंपोजिशन होता है। इसी कंपोजिशन को बनाने में बड़े माहिर हैं मिस्त्री जी मिस्त्री बची राम जी। तो तुम तेरे बात कर पे बहुत है भल लगो आज तो गजब कर लो तुम्हें लेना भला दीवार बनाया फटाफट है और देखो अपना आशीर्वाद बनाया रखें ठीक शो फल बनो। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ देखिए एक ऐसे हस्तशिल्पी हैं जिन्होंने ना कुमाऊँ क्षेत्र में देखेंगे जब तो खोली छज्जे वाले बाखली वाले जैसे घर होते थे पारंपरिक आवासीय घर तो उन घरों में काम किए हुए व्यक्ति हैं ये। तो आज क्या है कि उस तरीके के घर तो बन दे रहे हैं तो ऐसे में आप दीवारों में और इस तरीके से काम कर रहे हैं जो आपके रिटेनिंग वॉल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं तो ये सब देखने को मिल रहा है। तो इतने बड़े कलाकार इतने अच्छे हस्तशिल्पी ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं ऐसी दीवारों पर काम कर रहे हैं उनसे कोई अच्छा आर्ट लेने वाला उनका हस्तशिल्प लेने वाले लोगों की कमी रहेगी क्योंकि उसका कारण ये है कि बजट बहुत ज़्यादा लगता है पैसा बहुत लगता है काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों ये ब्लॉग ना
बिना सोचे समझे एक पत्थर से शुरू हुआ था, तो और ये बनने मचान। तो आप लोगों से निवेदन है और गुजारिश है कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार इस वीडियो को दें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।